हाउ टू यूज टिकटॉक इन नेपाल, नेपाल में टिकटॉक यूज कैसे करें। जैसे कि आप लोगों को पता है नेपाल के अंदर टिकटॉक बैन कर दिया गया है, जिस कारण से आप लोग टिकटॉक को नेपाल के अंदर यूज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो नेपाल के अंदर आप लोग टिकटॉक कैसे चला पाओगे, टिकटॉक को कैसे ओपन कर पाओगे और टिकटॉक को कैसे यूज कर पाओगे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। जैसे गाइस आप लोग स्क्रीन पर देखो, यहाँ पे मैं टिकटॉक को बड़ी आसानी से यूज कर पा रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो भी चलना स्टार्ट हो चुका है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर आप लोग भी नेपाल से हो, टिकटॉक को यूज करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे, चलो आपको ए टू जेड अच्छे से बता देता हूँ। लेकिन गाइस उससे पहले इतने बड़े चैनल पे नहीं हो, पहली बार हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बता दें कैसे आप लोग नेपाल के अंदर टिकटॉक को यूज कर पाओगे। अगर आप लोग नेपाल के अंदर हो तब भी यूज कर पाओगे, अगर आप लोग इंडिया में हो तब भी यूज कर पाओगे। लेकिन कैसे, जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखे, ध्यान से फॉलो करना, देन आप लोग भी नेपाल के अंदर टिकटॉक को यूज कर पाओगे। तो गाइस देखो, नेपाल के अंदर टिकटॉक को यूज करने के लिए जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से देख के ध्यान से फॉलो करो। सबसे पहले गाइस आप लोग क्या करना, अपने फोन के अंदर, ठीक है, क्या करना, आप लोग ना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। ठीक है, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है टर्बो वीपीएन। कौन सा वीपीएन? TURBO, टर्बो वीपीएन। ठीक है, टर्बो वीपीएन सर्च करना भाई, वीपीएन VPN। ठीक है, जैसे आप लोग टर्बो वीपीएन लिख के सर्च करोगे आप लोग के सामने देखो एक वीपीएन आएगा जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप से गाइस आप लोग के सामने ये वाला वीपीएन आएगा, टर्बो वीपीएन। सिंपल सा भाई लोग, आप लोग क्या करना, अपने फ़ोन के अंदर ये वाला वीपीएन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके करके रखा है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड वगैरह चलेगा, तो आपको ऐड कट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, पहले मेरा कनेक्ट किया हुआ तो डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोबारा इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हम लोग का वीपीएन है उसको डाउनलोड करने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पे ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पे गाइस आप लोग को एक आइकन बन के आएगा, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे एक आइकन बन के आ रहा है, इस आइकन पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे इस आइकन पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे कुछ इस टाइप से यहाँ पे हम लोग का जो क्या बोलते हैं खरगोश लोमड़ी जो भी है वो दौड़ना स्टार्ट करेगा और कुछ देर के बाद यहाँ पे गाइस आप लोग को ना कनेक्ट लिख के आ जाएगा। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग को अपने फ़ोन के अंदर जो प्ले स्टोर है, ठीक है, उसको क्या करना है, इसे दाब के करना है, आई का या फिर ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक करोगे आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टोर यानी यूजर्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना और क्लियर ऑल डाटा कर देना। ठीक है, क्लियर ऑल डाटा कर देना। इतना करने के बाद क्या होगा, ये पूरा इसका क्लीन हो जाएगा। ठीक है, क्लीन होने के बाद कैसे आप लोग क्या करना है, प्ले स्टोर को दोबारा से यहाँ पे ओपन करना है। दोबारा से प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप लोग इसमें देख सकते हो। यहाँ पे कहीं सबका जो प्ले स्टोर का थोड़ा लेट से ओपन होगा क्योंकि इसका क्लियर डाटा करने के बाद जितना भी इसका जो क्लीन मतलब वॉइस हो रहा था वो सब कुछ हट चुका है। ठीक है, तो अगर आपको ओपन नहीं होता आपको यहाँ से कट कर देना है सब कुछ को। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे ओपन करना और जैसे दोबारा से यहाँ पे ओपन करोगे आपके सामने कुछ स्टेप से प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको करना क्या है, आप लोग को यहाँ पे जो आइकन बन गया, ठीक है, इसको स्टेप से ऊपर के साइड स्वाइप कर लेना। ठीक है, तो आपका जीमेल यहाँ पे स्विच हो जाएगा, आपके फोन के अंदर दो जीमेल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग दो जीमेल अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लेना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे टिकटॉक को लिख के सर्च करना है, टिकटॉक। ठीक है, इस स्टेप से आप लोग को टिकटॉक लिख के सर्च करना है। तो यहाँ पे मेरा सब मोबाइल हैंग कर रहा है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे टिकटॉक जैसे सर्च करोगे तो प्ले स्टोर के अंदर कहीं से यहाँ पे आप लोग को टिकटॉक देखो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टिकटॉक मेरा ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद गाइस कुछ स्टेप से आपको यहाँ पे जो ओपन का ऑप्शन मिला इसको मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या करता हूँ, इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ स्टेप से गाइस यहाँ पे आप लोग अपने फोन के अंदर टिकटॉक को इंस्टॉल कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दिया, उसके बाद ये अनइंस्टॉल होने देते हैं। देन उसके बाद गाइस आप लोग को मैं इंस्टॉल करके भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे फोन के अंदर टिकटॉक एप्लीकेशन आ चुका है और इस टाइप से गाइस आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे इंस्टॉलिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ देर वेट करने के बाद आपके फोन के अंदर जो टिकटॉक एप्लीकेशन होगा वो इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से गाइस आप लोग अपने फोन के अंदर टिकटॉक को डाउनलोड कर पाओगे, इंस्टॉल कर पाओगे, जो कि काफ़ी ईजी तरीका था, जो कि काफ़ी आसान तरीका था, जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कर देना। ठीक है, जो गाइस इसको मैं आपको क्या करता हूँ डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद आपको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्टेप से मतलब कुछ स्पीड से यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। ठीक है, और देखो जो स्टेप मैंने आपको बताया उसको ध्यान से देखे ध्यान से फॉलो करना, तभी आपके फोन के अंदर भी वर्क करेगा। नहीं तो काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे भाई फेक वीडियो है, काम नहीं कर रहा है, टिक वर्क नहीं कर रहा है। भाई जो स्टेप बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखे ध्यान से फॉलो करो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वीपीएन डाउनलोड करना है, वीपीएन को कनेक्ट करना है, उसके बाद को प्ले स्टोर को क्लियर कैश क्लियर ऑल डाटा करना है,
उसके बाद आप लोग को जीमेल को स्विच करना है, जो प्ले स्टोर के अंदर जीमेल है उसको स्विच करना है। उसके बाद आपको टिकटॉक सर्च करना है, टिकटॉक आएगा उसको डाउनलोड कर लेना है। तो इतना काम मैंने तो आपको बता ही दिया, कर लिया हो गया ठीक है। और वीपीएन को हमेशा कनेक्ट रखना, जब तक आप लोग डाउनलोड नहीं होता है तब तक आप उसको कनेक्ट कर रखना ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अभी कनेक्ट है, उसको मैं डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद आप लोग को आगे बताता हूँ करना क्या है ठीक है। तो गाइस आप लोग देखो यहाँ पे मेरा टिकटॉक डाउनलोड हो चुका है। टिकटॉक डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग ओपन पे क्लिक करोगे कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, टू कंटिन्यू पे कर देना है, एग्री कर देना है, देन स्किप कर देना है, देन आपको यहाँ पे स्टार्ट वॉचिंग पे क्लिक करना है। बस भैया आपका उतना ही करना है। अब लोग यहाँ पे देखो टिकटॉक चलना स्टार्ट हो जाएगा और इस टाइप से आप लोग यहाँ पे वीडियो वगैरह देख पाओगे टिकटॉक के अंदर। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे वीपीएन को डिस्कनेक्ट कर दोगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम देखो मिलेगा, नो इंटरनेट कनेक्शन का ठीक है। तो जब भी आप लोग टिकटॉक चलाओगे आप लोग हमेशा इसको कनेक्ट करके रखना। कनेक्ट करने के बाद आप लोग क्या करना, एक बार टिकटॉक का क्लियर कैच क्लियर ऑर्डर करना। क्लियर ऑर्डर क्लियर कैच करने के कुछ नहीं, इसे दाब के रखो, ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करो और इस पर यहाँ पे स्टोरेज पे आ जाओ और यहाँ पे क्लियर कैच और क्लियर ऑर्डर करके डिलीट कर दो। फिर उसके बाद आप लोग को वीपीएन कनेक्ट कर लो और उसके बाद इसको यूज करो ठीक है। तो भाई कुछ इस टाइप से आप लोग टिकटॉक को बार बार इसे यूज कर पाओगे इसी टाइप से ठीक है। आप लोग सोचते बिना वीपीएन का यूज किया तो ऐसा पॉसिबल अब नहीं है, क्योंकि ये बैन हो चुका है। तो आपको दूसरे सर्वर में कनेक्ट होकर ही टिकटॉक को यूज करना पड़ेगा ठीक है। तो गाइस देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। भाई कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना ठीक है। बाकी चलो गाइस मिलते हैं और वीडियो देते के लिए। बाय बाय, चैन वंदे मातरम।